हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटी शीट्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप अपने बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न करवाना चाहते हैं। लाइक कोई भी स्पेलिंग आप अपने बच्चे को लर्न करवाना चाहते हैं तो ये वाली जो एक्टिविटी शीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये जितनी भी वर्कशीट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैं चिया के साथ स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते आई हूँ। लाइक जब भी मुझे उसे कोई नए वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं, स्पेशली अगर उनके स्पेलिंग्स लर्न करवाने हैं, तो मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में वर्कशीट्स जो हैं वो चिया के लिए प्लान करती हूं ताकि उसके लिए स्पेलिंग्स जो हैं वो रिमेंबर करना इजी हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ भी सेम सीक्वेंस में कुछ वर्कशीट्स शेयर करूंगी एंड आई एम श्योर अगर आप ये वाली एक्टिविटी शीट्स जो हैं वो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो ईजिली जो है वो स्पेलिंग्स रिमेंबर कर लेंगे। अभी चाहे वो जितना मर्जी लेंथी स्पेलिंग हो, बच्चे ईजिली स्पेलिंग्स को रिमेंबर कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो इस वीक मैं चिया को मंथ्स नेम जो है उनके स्पेलिंग्स रिमेंबर करवाने का सोच रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वर्कशीट्स बनाई थी। तो आप सेम प्रोसीजर जो है वो किसी भी टॉपिक की वर्कशीट्स के लिए बना सकते हैं। लाइक अगर आपको डेज नेम रिमेंबर करवाने हैं, कलर्स नेम, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को रिमेंबर करवाने के लिए ये वाली वर्कशीट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक सी वर्कशीट है। इसमें मैंने यहाँ पे जो है वो मंथ्स नेम लिखे हैं और आगे मैंने स्पेस ब्लैंक छोड़ा है। तो जब भी आप बच्चे को कोई भी वर्ड के स्पेलिंग्स लर्न करवाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप तो पहले आप एक ऐसी वर्कशीट बनाइए जिसपे आप स्पेलिंग्स जो है वो लिख दीजिए। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ऐसी ये वाली वर्कशीट्स आप किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं। अगर आप कलर्स नेम के लिए बना रहे हैं या वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, तो आपको सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बता रहे हो तो आपको बच्चे को स्पेलिंग्स ऐसे रिमेंबर करवाने की जरूरत नहीं है कि जे ए एन यू ए आर वाई। तो पहले आप जस्ट एक ओरल प्रैक्टिस बच्चे को करवाइए तो इससे क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वर्ड की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह की है। तो अभी यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि आप उन्हें कहिए कि यहाँ पे स्पेलिंग्स देख के बच्चे को यहाँ लिखने हैं, और जब बच्चा इन स्पेलिंग्स को लिखेगा तो आप उन्हें कहिए कि उन्हें लाउडली जो है वो हर एक लेटर को बोलना है। लाइक दिस इज जे ए एन यू ए आर देन वाई। तो आप बच्चे को बोलिए कि उसे हर एक लेटर जो है वो लाउडली जो है वो बोलना है। तो सेम चीज आपको हर एक वर्ड के लिए जो है वो रिपीट करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एट जो है वो मंथ्स नेम लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप दो वर्ड्स के लिए या तीन वर्ड्स के लिए ये वाली वर्कशीट दे सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि ये वाली वर्कशीट के लिए अगर आप पाँच छः वर्ड्स भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को लर्न नहीं करना है, उन्हें जस्ट आइडिया लेना है। लेट्स से अगर आप कलर्स नेम बच्चे को करवा रहे हैं तो आप सिक्स कलर्स नेम या फिर फाइव कलर्स नेम यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर आगे स्पेस ब्लैंक छोड़ दीजिए और बच्चे को सिंपली इन्हें रीड करने के लिए कहिए और उन्हें कॉपी करने के लिए कहिए यहां पे वर्ड्स। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, बच्चे को ऐसी एक वर्ड सर्च की एक्टिविटी बना के देनी है जो भी वर्ड्स आप बच्चे को रिमेंबर करवा रहे हैं उसके लिए। और ये वाली एक्टिविटी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार शेयर की है। अगेन मैं आपसे कहूंगी कि जो वर्ड सर्च की एक्टिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर आपको बच्चे को कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो इस वर्ड सर्च एक्टिविटी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डॉटेड फॉर्म में जो है वो मंथ्स नेम लिखे हैं और आगे अगेन मैंने स्पेस ब्लैंक रखा है। इस एक्टिविटी शीट में बच्चे को तीन चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग, बच्चे को यहाँ पे फाइंड करना है लाइक वेयर इज जनवरी। तो जहां भी जनवरी होगा, लाइक दिस इज जनवरी, तो बच्चे को इसे क्या करना है, फाइंड करना है दिस इज जनवरी। सेकेंडली बच्चे को यहाँ पे ट्रेस करना है एंड थर्ड बच्चे को यहाँ पे जनवरी लिखना है। तो अगेन अगर आप चाहें तो आप थ्री वर्ड्स के लिए या फोर वर्ड्स के लिए ऐसी सिमिलर एक्टिविटी शीट्स बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो अब जैसे हमने दो वर्कशीट्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा दी तो अब उन्हें थोड़ा आइडिया हो गया है कि वो जैसे मंथ्स नेम रिमेंबर कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा वर्ड्स का जो है वो आइडिया हो गया है। तो अभी वर्ड्स के स्पेलिंग्स जो हैं वो लर्न करवाने के लिए, सो दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी शीट अगर आपको बच्चे को किसी भी चीज का स्पेलिंग जो है लर्न करवाने हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ये वर्कशीट चिया को उसके नेम के स्पेलिंग के लिए करवाई थी। फिर उसके बाद से मैं जब भी उसे कोई नया स्पेलिंग्स जो है, स्पेशली अगर कोई थोड़ा लेंथी स्पेलिंग है वो लर्न करवाती हूँ, तो मैं इसी वर्कशीट से करवाती हूँ। और ट्रस्ट मी, ये वाली वर्कशीट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चे को स्पेलिंग नेम्स जो है वो रिमेंबर करवाने के लिए।
तो ऐसी वाली एक्टिविटी शीट्स भी मैंने अपनी डेली प्रैक्टिस की वीडियोस में बहुत बार शेयर की हुई हैं, तो आप सिंपली देख सकते हैं ऊपर मैंने जो है वो पूरा वर्ड लिखा हुआ है। तो फिर मैं उसके बाद में हर एक स्टेप में जो है वो लेटर, एक एक लेटर जो है वो मिसिंग छोड़ती गई हूँ अनटिल पूरे लेटर्स जो है वो ब्लैंक होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स के लिए दिया है, अगर आप चाहें तो आप एक एक वर्ड करके भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, या फिर इट्स टोटली अप टू योर किड कि वो किस पेस से जो है वो चीजों को पिक करता है। तो अभी चिया जो है वो थोड़ी जल्दी चीजें लर्न कर लेती है, तो इसलिए मैंने उसे दो वर्ड्स के लिए ये एक्टिविटी बना के दी है, बट अगर आप चाहें तो आप जस्ट एक वर्ड के स्पेलिंग के लिए ये वाली एक्टिविटी शीट बना सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाली एक्टिविटी शीट दो तीन बार बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि बच्चा जो है वो स्पेलिंग रिमेंबर कर लेगा। तो अभी जैसे आपने बच्चे को स्पेलिंग रिमेंबर करवा लिए, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे एक बार स्पेलिंग जो है वो लर्न तो कर लेते हैं बट उसके बाद उसे भूल जाते हैं, तो हमें क्या है कुछ टाइम तक इस चीज को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे जो हैं वो इजीली स्पेलिंग्स को भूल जाएंगे। तो फिर एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी जो आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक थिक कार्डबोर्ड पेपर है उस पर मैंने लेटर्स लिखे हैं और उसके आगे उनकी नंबरिंग कर दी हुई है, और एक पेपर पे मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ के, लाइक जनवरी का जो स्पेलिंग है उसमें जनवरी में 8 लेटर्स आते हैं तो मैंने 8 लेटर्स ब्लैंक छोड़े हैं और उनके नीचे मैंने नंबरिंग कर दी है। तो अब बच्चे को क्या करना है, उसे यहाँ पे नंबर देखना है और उस नंबर के लिए जो भी लेटर होगा वो इसे यहाँ पे लिखना है, लाइक दिस इज 10, तो बच्चे को यहाँ पे देखना है कि वेयर इज 10, सो 10 इज J, तो बच्चा यहाँ पे J लिखेगा, देन दिस इज 1 A, तो बच्चा यहाँ A लिखेगा, देन 14 N। तो आई विल सजेस्ट कि आप भी ऐसा ही करें, जब भी आप अल्फाबेट और नंबर लिख रहे हैं तो एक थिक पेपर पे ऐसे लिख लें ताकि आपको बार बार इन्हें लिखने की जरूरत ना पड़े। तो फिर कभी भी अगर आपको किसी भी चीज के लिए एक्टिविटी शीट आपको बनानी है तो आपको जस्ट ये वाली शीट बनाना पड़ेगी, ये आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो सेम वे में बच्चे को क्या करना है, उसे यहाँ पे नंबर्स देखने हैं और फिर इस कार्ड में देखना है कि वो नंबर जो है वो किस लेटर के लिए असाइन किया गया है और बच्चे को यहाँ लेटर लिखना है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप किसी भी चीज के लिए इस एक्टिविटी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपके बच्चे को स्पेलिंग्स जो हैं वो आ गए हैं, बट जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बच्चे कई बार होता है कि स्पेलिंग्स भूल जाते हैं, लाइक कुछ लेटर जो है उसमें वो भूल जाते हैं, तो इसीलिए अगर आप ऐसी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज उनके साथ ट्राई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से इन वर्ड्स को जो है वो रिमेंबर रखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अभी मिसिंग लेटर बिल्कुल एक बेसिक सी एक्टिविटी है, मैंने जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी लिखा है, कुछ लेटर मिसिंग रखे हैं, तो बच्चे को यहाँ इन्हें जो राइट लेटर्स हैं वो फिल करने हैं। तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप देख लीजिए, जरूरी नहीं है आपको भी 7-8 वर्ड्स के लिए इकट्ठा देना है, आप देख लीजिए, आप एक एक वर्ड लेके या दो दो वर्ड्स लेके भी आप ऐसी एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी शीट इज अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, जनवरी का जो स्पेलिंग है उसे स्क्रैम्बल करके लिख दिया है, स्क्रैम्बल मतलब मैंने आगे पीछे करके लेटर्स लिख दिए हैं, तो बच्चे को जो सही स्पेलिंग होगी वो यहाँ पे लिखनी है, लाइक जनवरी की जो स्पेलिंग होगी वो यहाँ पे लिखनी है। तो अभी ये जो दो वर्कशीट्स हैं लाइक मिसिंग नंबर और अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, ये वाली वर्कशीट्स बच्चा तभी कर पाएगा अगर उसे स्पेलिंग्स अच्छे से आते हैं। तो जिस भी सीक्वेंस में मैंने आपके साथ ये वर्कशीट शेयर की है, अगर आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे हर एक नए टॉपिक के लिए, तो आई एम श्योर कि आपका बच्चा जो है जब तक आप ये वाली वर्कशीट्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन्हें स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएंगे और वो कभी भी इन स्पेलिंग्स को भूलेंगे नहीं। बट तो जैसा आपने ये वाली सारी वर्कशीट्स जो है बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर ली, उन्हें स्पेलिंग्स जो है वो रिमेंबर हो गए, तो अब आपको क्या करना है कि लाइक अगर वीक में आपने बच्चे को 4 न्यू स्पेलिंग्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं या 10, 20 जितने भी आपने वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आपको क्या करना है, अब उनकी रिविजन के लिए आपको वीक में एक बारी या 2 वीक्स में एक बारी जो है वो बच्चे की डिक्टेशन जरूर उन्हें करने के लिए दीजिए। लाइक आपने जो भी वर्ड्स उस वीक में या 2 वीक्स में जो भी न्यू वर्ड्स बच्चे को लर्न करवाए हैं रिवीजन के लिए जरूर दीजिए ताकि उन्हें स्पेलिंग्स जो है वो अच्छे से लर्न हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।